अब और कितना लेट होगा सर एग्जामिनेशन फॉर्म को आने में? आपने तो कहा था सर कि एट द एंड ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ द अगस्त एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएगा, बट सर अभी तक नहीं आया। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा हम लोग के साथ? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म क्यों रिलीज नहीं किया गया, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स में यहाँ दो नोटिस जो है पब्लिश किया गया था 2 तारीख को, ठीक है, 2 अगस्त को किया गया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एक्सटेंशन इन फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ITI। यानी यहाँ पे जो ITI वाले स्टूडेंट थे इनका जो फॉर्म का अप्लाई का जो डेट था 5 तक था, अब इसको एक्सटेंड करके 15 तक कर दिया गया है, ठीक है। और इसी तरह से DCLE वालों बच्चों का भी कर दिया गया है, यानी 15 तक ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे, है ना। यानी जितने भी ITI वाले बच्चे हैं और जितने भी DCCLE वाले बच्चे हैं ये फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे 15 तारीख तक। तो कहने का अर्थ यही है कि बच्चों अब इनका जो है डेट एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर्म फिलअप का। तो मेन रीज़न यही है, इनका जो लास्ट डेट 15 तारीख है उसके ख़त्म हो जाने के बाद आप लोग का भी एग्जामिनेशन फॉर्म बहुत जल्द ही रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।